परसेंटेज लॉस की बात करते हैं कि हम परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं। तो अगर हम फिर से मान लेते हैं कि जैसे कि आपका कोई सीपी है और एसपी है और कोई सेट है फ्रेंड्स, हम फिर से सेट की बात करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि कोई जो सेट है उसे उसकी कॉस्ट प्राइस 700 रुपए है, और हम मान लेते हैं कि क्या जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे हम लॉस की बात कर रहे हैं तो हमेशा सेलिंग प्राइस है जो कि कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तो हम मान लेते हैं कि वो सेट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 500 रुपए है। तो यहाँ से आपको क्या डिस्कस निकला कि आपका यहाँ से जो लॉस आएगा फ्रेंड्स, लॉस के लिए मैंने आपको पिछली स्लाइड पे क्या फॉर्मूला बताया है, सीपी माइनस एसपी का फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 700 की चीज अगर आप 500 में बेच रहे हैं तो आपको कितने का लॉस हो रहा है, 200 रुपए का लॉस हो रहा है। ये तो आपको रुपए में आ गया। अगर हमें फिर से परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, तो हम परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? अगर हमें परसेंटेज लॉस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आपको 200 का लॉस हो रहा है, कितने रुपए पे हो रहा है, 700 रुपए पे हो रहा है। तो 200 का लॉस आपको 700 रुपए पे हो रहा है। अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका लॉस परसेंटेज आ गया। यहीं से अगर हम फिर से फॉर्मूला इसे अप्लाई करना चाहेंगे, फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, तो कैसे बनेगा, यहाँ से आपका परसेंटेज लॉस क्या आ जाएगा, देखिए ये 200 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ही तो है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटा ये 700 क्या है फ्रेंड्स, 700 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो हम नीचे कॉस्ट प्राइस करेंगे इनटू 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको क्वेश्चन इसे सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इसे एक बार ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि हम कैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड कैसे परसेंटेज लॉस को कैलकुलेट करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। देखिए फिर से अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ से अगर हम 100 परसेंटेज निकालते हैं, तो हम कोई भी चीज 100 में निकालते हैं तभी वो हमारा परसेंटेज आता है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं फ्रेंड्स कि हमें कोई चीज है जो कि 700 रुपए की चीज है, उस पर हमें कितने का लॉस हो रहा है, तो उस पर हमें 200 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी 700 की कोई शर्ट है उस पर हमें 200 रुपए का लॉस हो रहा है, तो हमें 1 रुपए पे कितने का लॉस हो रहा है, तो हमें 200/700 का लॉस हो रहा है। फिर अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम 100 पे कैलकुलेट करेंगे, तो 100 पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 200/700 × 100 आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज लॉस आ जाएगा, जो कि यहाँ से आपको इसी के बराबर आ रहा है। तो आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है, इसे हम यूनिट मेथड भी कहते हैं। तो यहीं से आपका परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो ये तो था फ्रेंड्स आपका पहला मेथड, जो कि आप इसे फॉर्मूला मेथड बोल सकते हैं। इसी पे अगर हम बात करें सेकंड जो आपका होता है वो क्या होता है, रेशियो मेथड, हम कैसे रेशियो पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से आप देखिए क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस सेट पे कितनी है फ्रेंड्स, 300 है, और ये सेलिंग प्राइस कितनी है, 500 है, यानी कि सेट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 300 है, और सेलिंग प्राइस क्या है, 500 है। इसपे आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आपको आ रहा है कितने का, 200 रुपए का आपको प्रॉफिट आ रहा है। अगर हम यहाँ से रेशियो की बात करें, यानी कि सीपी से एसपी का अगर हम रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 300/500 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप 20 से 20 चला जाएगा, यानी कि जो सीपी और एसपी का रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई शर्ट है उसके दाम, उसका दाम अगर 3 रुपए है तो वो बिक कितने में रहा है, 5 रुपए में बिक रहा है। तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, यानी कि 2 रुपए का हो रहा है, या फिर 2 यूनिट का हो रहा है। तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने यूनिट पे, यानी कि कितने रुपए पे हो रहा है, यानी कि 3 रुपए पे हो रहा है। तो यहाँ से 2/3 आएगा, और यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसे डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको परसेंटेज में डायरेक्ट फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट यहाँ से आपको परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना आपका परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है। तो 1/3 की वैल्यू अगर 33.3 होती है, 33 होती है, तो आपको 2/3 है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 66.66% आपका आ जाएगा। यहाँ से कितना आपको हुआ, अगर कोई शर्ट है उसकी कीमत कॉस्ट प्राइस अगर 300 है और वो 500 में बिकती है, तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है परसेंटेज में, 66.66 हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए आपका सेम ही आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से 2/3 × 100 का क्या आएगा, 66.66, यहाँ से भी आपका सेम ही आएगा,
तो आप देख सकते हैं कि आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप इसे सिर्फ इसे कुछ लाइंस में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके लिए ये मेथड ज्यादा इजी है। फिर देखिए, अगर हमें परसेंटेज लॉस निकालना है, तो हम इसी पे निकालते हैं। देखिए क्या है आपका, आपने 700 रुपए की शर्ट कितने में बेची है, 500 रुपए में बेची है, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 700 है और सेलिंग प्राइस क्या है 500, यानी कि आपने 700 की शर्ट 500 में बेची है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 7:5 आ गया, यानी कि आपने 7 यूनिट के साथ, यानी कि 7 रुपए की शर्ट आपने 5 रुपए में बेची है, तो आपको कितने रुपए का लॉस हो रहा है, आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए पे हो रहा है, यानी कि आपने 7 रुपए की शर्ट को 5 रुपए में बेचा, यानी कि 7 पे आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन मिल गया क्या, 2/7। आपको अगर याद होगा तो परसेंटेज में मैंने आप लोगों को 1/7 का डायरेक्ट आपको परसेंटेज बताया था, क्या बताया था, 14.28 मैंने आप लोगों को इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताया था। तो यहाँ पे 2/7 है, ये 2/7 है, तो क्या आ जाएगा आपका 28.56 आपका परसेंट में आपका इतना लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई शर्ट है जो कि आप 700 की शर्ट अगर आप 500 में बेच रहे हैं, तो आपको लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, तो आपको 28.56% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से आप बस एक लाइन में यहाँ से आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, आपको इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड्स पे हम कुछ और बात है जो कि डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट है जो कि हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे आपका ये क्या है, सीपी है, और यहाँ पे हम एमपी की बात करते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस की बात करते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि कोई वस्तु है जो कि आपको, जिसपे आपने 100 रुपए खर्च किया है, आपका क्या है कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो आपने जब आप कोई मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपको वहां जो टैग दिखता है उस पर आपको क्या है मार्केट प्राइस उस पर लिखा हुआ रहता है कि ये शर्ट आपको या फिर ये वस्तु आपको इतने रुपए में मिलेगी। तो हम ये करते हैं कि हमने उस पर 100 रुपए खर्च किए हैं, कॉस्ट प्राइस हमने हमारा 100 रुपए है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसे 160 रुपए का टैग लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, मार्किंग प्राइस हो गया। तो क्या हुआ, हमने 100 रुपए की चीज पे 160 रुपए का टैग लगाया है, तो यही जो आपका डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, 100 से 160 का डिफरेंस क्या है 60 रुपए, आपको क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। तो यही जो 60 रुपए है फ्रेंड्स वो क्या है, मार्कअप है। आपको एक नया टर्म क्या है, मार्कअप। जैसे कि हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के डिफरेंस, ये जो अंतर होता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, उसी तरीके से जो आपका कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस होता है उसका जो डिफरेंस होता है, दोनों का गैप होता है, वो क्या होता है, मार्कअप होता है, यानी कि एमपी माइनस सीपी, जो कि आपका मार्कअप, ये मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, मार्कअप होता है। तो ये तो आपका मार्कअप हो गया, लेकिन अगर यही हमें परसेंटेज मार्कअप निकालना होगा, अगर हमें परसेंटेज मार्कअप की बात करते हैं, जैसे हमने परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकाला, तो हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है और एमपी क्या है, आपका मार्क प्राइस क्या है 60 रुपए है। तो यहाँ से आपका गैप कितने का बन रहा है, मार्कअप क्या है फ्रेंड्स 60 रुपए है, तो यहाँ से आपका मार्कअप क्या आ गया 60 रुपए आ गया। तो आपका जो मार्कअप है वो कितने पे आपने बढ़ाया, है 100 से 160 किया है, यानी कि आपको यहाँ पे सीपी की बात की जा रही है, तो सीपी और आपने 100 पे मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये परसेंटेज में लाना है, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपका क्या हो गया फ्रेंड्स 60% आपका क्या आ गया, मार्कअप आ गया, मार्कअप परसेंटेज आ गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आपने 100 रुपए की चीज को 160 रुपए उस पर लिस्ट किया है, उस पर प्राइस टैग लगाया है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, परसेंटेज में क्या चेंज किया है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट निकल के क्या आ रहा है 60% आ रहा है। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि आप किसी भी 100 को अगर आप बढ़ाते हैं किसी भी परसेंटेज से, तो जो आपका मेन जो डिफरेंस होता है वही आपका परसेंटेज चेंज होता है। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं, यहाँ से आपका 60% निकल के आ गया। तो आपका मार्कअप परसेंटेज की अगर हम फॉर्मूले की बात करें, कि अगर आपका जो मार्कअप परसेंटेज है क्या है, मार्कअप परसेंटेज है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, आपका ये गैप क्या है, ये आपका क्या है, मार्कअप है। क्या है, मार्कअप है, ये परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, मार्कअप क्या है, इन रुपीस की बात की जा रही है। यहाँ पे 60 रुपए आपको लिया गया है, ये 60 रुपए लिया गया है, और नीचे आपका क्या है फ्रेंड्स, नीचे जो ये 100 है वो क्या है, सीपी है। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा, और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आपको परसेंटेज मार्कअप निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप
आपका हो जाएगा मार्कअप इन रुपीज बाय सीपी इनटू 100%। तो आपको मार्कअप परसेंट भी निकालना है, वो हमेशा आपको किस पे निकालना है, सीपी पे निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। आपको ध्यान रखना है आपको परसेंट, ये प्रॉफिट लॉस एंड मार्कअप प्राइस, ये दोनों जो मार्कअप प्राइस हुआ, मार्कअप परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड मार्कअप परसेंट, ये तीनों परसेंटेज जो निकलते हैं वो किस पे निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आप बाकी बच्चों की तरह गलती ना करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए आपका क्या है, सीपी है, और फिर हम एसपी की बात करते हैं, और साथ में हम एमपी की बात करते हैं, यानी कि मार्कअप प्राइस, ये मार्किंग प्राइस की बात करते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस अगर 400 रुपए है, तो फिर उसका हम सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, पहले एमपी मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस अगर 400 रुपए है, तो हम उस पर मार्कअप कितना करते हैं, हम मार्कअप कर देते हैं कि वो 700 रुपए का हम उसे बेचना चाहते हैं, ये मार्कअप हो गया। हम उसे 700 रुपए में बेचना चाहते हैं, हम उसे 700 रुपए में बेच नहीं रहे हैं। तो जब आपका ये कोई दुकान में 700 रुपए का प्राइस टैग मिलता है, तो दुकानदार क्या करता है कि आपको कुछ उस पर डिस्काउंट देता है, यानी कि वो 700 उस पर लिखा हुआ रहता है, तो वो चीज आपको कितने में देता है, 600 में दे सकता है या फिर 500 में दे सकता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने आपको किस में दिया, 500 में दिया, दुकानदार ने आपको वो चीज 500 रुपए में दे दी, जिसपे की मार्किंग प्राइस कितना लिखा हुआ था, 700 रुपए लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या हुआ, 400 रुपए की वो चीज थी और उसपे 700 रुपए का टैग लगाया गया था, और आपको फाइनली दिया कितने में गया, तो वो 500 रुपए में दिया गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो आपका मार्किंग प्राइस है जो कि 700 रुपए है, और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है फ्रेंड्स, ये क्या है, गैप है, कितने का गैप है, 200 रुपए का गैप आ रहा है, 200 गैप आ रहा है। तो यही जो 200 का गैप है, अगर कोई चीज है जिसपे 700 रुपए लिखा हुआ है और वो आपको 500 रुपए में दे रहा है, यानी कि वो आपको क्या दे रहा है, 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो यही से आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना है, अगर आपको डिस्काउंट निकालना है, तो आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मार्किंग प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। तो यहीं से आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। यहां से आपने क्या समझा कि देखिए, अगर आपको 700 उस पे मार्किंग प्राइस था और उस पे उसने आपको, दुकानदार ने आपको 500 रुपए में दे दिया, तो उसने आपको 200 रुपए कम किया, यानी कि 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, यानी कि मार्किंग प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को घटाते हैं, तो यही आपका क्या निकल के आ जाता है, डिस्काउंट निकल के आ जाता है। यहाँ पे हम रुपीज की बात कर रहे हैं, हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ना कि डिस्काउंट परसेंटेज की। यही अगर हमें डिस्काउंट पर ये परसेंटेज निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए हम देखिए, अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने डिस्काउंट मिला है, कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है, 200 रुपए का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट तो हमें 200 पे मिला है, लेकिन कितने पे मिला है, हमें 700 रुपए पे डिस्काउंट मिला है। किसपे मिला है, 700 रुपए पे डिस्काउंट मिला है। और अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज डिस्काउंट आ गया। अगर हम इसे फॉर्मूला निकालना चाहें, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए ये जो आपका 200 है, ये जो 200 है, ये क्या है, ये डिस्काउंट है। क्या है, ये डिस्काउंट है इन रुपीज की अगर हम बात करें, यही तो आपका है, क्या है, डिस्काउंट इन रुपीज है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एमपी माइनस एसपी, यानी कि मार्कअप प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपका क्या आ गया, 200 आ गया। और ये आपका 700 क्या है फ्रेंड, 700 आपका मार्किंग प्राइस है, यानी कि एमपी है। और यहाँ से आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो परसेंटेज डिस्काउंट का ये जो फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ से निकल के आपका ये परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला आ गया। तो आपको यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, या फिर परसेंटेज मार्किंग अप निकालना है, तो वो आपको हमेशा सीपी में निकलेगा। लेकिन यही अगर आपको डिस्काउंट निकालना है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो वो आपका हमेशा किस में निकलेगा, एमपी में निकलेगा, यानी कि मार्कअप प्राइस में निकलेगा, मार्किंग प्राइस में निकलेगा। ये बात आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ध्यान देना है कि परसेंटेज डिस्काउंट हमेशा मार्किंग प्राइस पे निकलता है। फिर से मैं बोलती हूँ कि परसेंटेज डिस्काउंट आपका हमेशा मार्किंग प्राइस पे ही निकलता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से हमने परसेंटेज डिस्काउंट निकालना देखा, फिर देखिए फिर यहाँ पे चलते हैं वापस। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये आपका सीपी है,
और ये क्या है एसपी है। तो आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि आपको 400 रुपए की जो साठ है, 400 रुपए की कोई वस्तु है वो कितने में बिकी है, 500 रुपए में बिकी है। यानी कि आपको जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया कि जो आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, तो आपको 400 की चीज कितने में बिकी है, 500 रुपए में बिकी है, यानी कि आपको 100 रुपीज यानी कि 100 रुपए का आपको फायदा हुआ है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, हम उसे भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो क्या है फ्रेंड, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको कॉमन दिख रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस है फ्रेंड्स, अगर हम जो आपका सीपी है उसमें से अगर हम उसमें अगर हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, जो आपका सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी होता है। तो अगर हम सिर्फ ये एसपी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। और यही जो आपका सेलिंग प्राइस है फ्रेंड्स, वही अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो आपका जो डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट क्या आ रहा है फ्रेंड्स, एमपी माइनस एसपी आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालना चाहें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा निकल के, एमपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि मार्किंग प्राइस जो है और जो डिस्काउंट है उन दोनों का अंतर क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो दोनों सेम ही है 500 रुपए, तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, मार्किंग प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी बार क्वेश्चन में यूज होता है कि आपका जो सेलिंग प्राइस होता है वो वही होता है जो कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, वही होता है जो कि मार्किंग प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। ये दोनों क्या होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है 500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 है और प्रॉफिट कितना है 100, यानी कि 500 आया। और फिर देखिए मार्किंग प्राइस कितना है 700 है और डिस्काउंट कितना है 200, यानी कि यहाँ से भी 500 आया। तो ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में जितना भी आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जितना भी कॉन्सेप्ट बनता है वो सारा का सारा मैंने डिस्कस किया है, सारे की सारे मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम कल की क्लास में इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर आज हम आज ही क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम कल की क्लास में इस पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ वैरायटीज के क्वेश्चन को कवर करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से करेंगे, ताकि हम उसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। आप जो लाइक एंड शेयर करते हैं ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप में वीडियोस में कोई आपको गलती दिख रही है, कोई खराबी दिख रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। वहां पे काफी ज्यादा आप लोगों के काम के वीडियोस डाले गए हैं, तो वहां से आप अपनी तैयारी को काफी ज्यादा बेटर कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।